गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अंकित स्टडी IQ। आज है 8 फरवरी 2020। आज के दिन के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और सारे क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा आप लोगों को, और वीडियो के अंत में आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना होगा। और इस वीडियो का PDF फाइल आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में JSW स्टील ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो अभी हाल ही में JSW स्टील कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत को बनाया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। अब यहाँ पर बात हुआ है JSW स्टील कंपनी का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। JSW स्टील लिमिटेड कंपनी का मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई शहर में है और इसके चेयरमैन सज्जन जिंदल हैं। अब यहाँ पर एक टर्म आया है ब्रांड एम्बेसडर, तो इसके बारे में जान लेते हैं। ब्रांड एम्बेसडर वह व्यक्ति होता है जो किसी भी कंपनी का एडवर्टाइज करता है, उसके प्रोडक्ट का एडवर्टाइज करता है, यानी कि ओवरऑल उस कंपनी का मार्केटिंग करता है। अब कुछ अन्य कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर के बारे में जान लेते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नाडा कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं सुनील शेट्टी, पूमा के ब्रांड एम्बेसडर सुनील छेत्री हैं, और पेप्सी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान हैं, मास्टर कार्ड कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी हैं, और टाटा पावर के ब्रांड एम्बेसडर शार्दुल ठाकुर हैं जो कि इंडिया के क्रिकेटर हैं। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो अभी हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंक 40 है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक को इंग्लिश में इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, इस सूचकांक में पहले नंबर पर कौन सा देश रहा है? तो इस सूचकांक में पहले नंबर पर अमेरिका देश रहा है। आइए चलते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन की तरफ। आज का तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में साई खोम मीराबाई चानू ने राष्ट्रीय आंदोलन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो अभी हाल ही में साई खोम मीराबाई चानू ने राष्ट्रीय आंदोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। अब बात कर लेते हैं साई खोम मीराबाई चानू के। तो साई खोम मीराबाई चानू मणिपुर राज्य की वेट लिफ्टर हैं जिन्होंने 203 किलोग्राम वर्ग में भारत के स्वर्ण पदक जीत लिया है। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन ऑयल कंपनी IOCL ने धातु एयर बैटरी के निर्माण के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो अभी हाल ही में इंडियन ऑयल कंपनी IOCL ने धातु एयर बैटरी के निर्माण के लिए फिनर्जी नामक कंपनी से समझौता किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। अब यहाँ पर बात हुआ है फिनर्जी कंपनी का, तो फिनर्जी कंपनी के बारे में जानते हैं। फिनर्जी इजराइल देश की एक कंपनी है जो कि बैटरी बनाती है। इन्हीं के साथ IOCL के साथ समझौता हुआ है। अब बात कर लेते हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय है नई दिल्ली शहर में, जो कि भारत राज्य की राजधानी है। और वर्तमान समय में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरपर्सन है संजीव सिंह। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रिलायंस इंश्योरेंस ने किस नई बीमा पॉलिसी को लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में रिलायंस हेल्थ इन्फिनिटी नामक नई बीमा पॉलिसी को लॉन्च किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। अब यहाँ पर बात हुआ है रिलायंस इंश्योरेंस का, तो रिलायंस इंश्योरेंस के बारे में जान लेते हैं। रिलायंस इंश्योरेंस का मुख्यालय मुंबई शहर में है और इसके मालिक अनिल अंबानी हैं जो कि मुकेश अंबानी के छोटे भाई हैं। और रिलायंस इंश्योरेंस कंपनी के CEO का नाम क्या है? तो रिलायंस इंश्योरेंस कंपनी के CEO का नाम राकेश जैन है। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य में वधावन बंदरगाह की स्थापना को मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने महाराष्ट्र राज्य में वधावन बंदरगाह की स्थापना को मंजूरी दी है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। अब यहाँ पर बात हुआ है महाराष्ट्र राज्य का, तो महाराष्ट्र राज्य के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई है और यहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी हैं और यहाँ के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। और यहाँ से क्वेश्चन और बन सकता है कि महाराष्ट्र राज्य के मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम है? तो महाराष्ट्र राज्य के मुख्य न्यायाधीश का नाम प्रदीप नंद्राजोग है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ मुंबई महाराष्ट्र राज्य में लोकसभा सीटें कितनी है? तो महाराष्ट्र राज्य में टोटल 48 लोकसभा सीटें हैं और राज्यसभा सीटें महाराष्ट्र में 19 हैं, विधानसभा सीटें 288 हैं। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महिला जननांग विकृति के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय असहिष्णुता दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में महिला जननांग विकृति के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय असहिष्णुता दिवस 6 फरवरी को मनाया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। अब बात कर लेते हैं महिला जननांग विकृति के बारे में। महिला जननांग विकृति से गुजरने वाली लड़कियों को गंभीर दर्द, सदमा, अत्यधिक रक्तस्राव और यूरिन में कठिनाई जैसी जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। और महिला जननांग विकृति के इस वर्ष का थीम क्या है? तो इस वर्ष का इसका थीम है अनलीजिंग यूथ पावर। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट की स्थापना की है। तो अभी हाल ही में अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए ट्रस्ट की स्थापना केंद्र सरकार ने की है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट में टोटल 15 सदस्य होंगे, जिनमें से एक सदस्य हमेशा दलित समाज से रहेगा। अब बात कर लेते हैं अयोध्या का। तो अयोध्या उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अयोध्या शहर में राम जन्मभूमि के नाम से भी जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश राज्य की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही अयोध्या शहर स्थित है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम योगी आदित्यनाथ है और यहाँ के राजधानी का नाम लखनऊ है, जो कि गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और यहाँ के गवर्नर का नाम आनंदीबेन पटेल है और आनंदीबेन पटेल गुजरात राज्य की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। और यहाँ लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें 80 सीट हैं और राज्यसभा सीट टोटल 31 है। विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश में 404 हैं। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में DICGC ने जमाकर्ताओं के बीमा कवरेज को 1 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो अभी हाल ही में DICGC ने जमाकर्ताओं के बीमा कवरेज को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। अब यहाँ पर एक टर्म आया है DICGC, तो इसके बारे में जान लेते हैं। DICGC का पूरा नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। अब बात कर लेते हैं DICGC के बारे में डिटेल में। DICGC का मुख्यालय मुंबई शहर में है और इसकी स्थापना सन 1961 ईस्वी में हुआ था। और DICGC कंपनी के ओनर का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि RBI, और इसके चेयरमैन का नाम है BP कानूनगो। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कैबिनेट ने कितने IIIT संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया है? तो अभी हाल ही में कैबिनेट ने 5 IIIT संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। अब IIIT संस्थान BTech, MTech और PhD की डिग्री देगी। IIIT का पूरा नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब ये 5 जो संस्थान हैं इनके क्या क्या नाम हैं? तो भोपाल, सूरत, भागलपुर, अगरतला और रायपुर में ये 5 IIIT संस्थान खोले जाएंगे, जिन्हें भारत सरकार ने राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया है।
अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए दोस्तों, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना होगा, वो भी फुल डिटेल के साथ। क्वेश्चन क्या है, हाल ही में तटीय सुरक्षा अभ्यास मतला अभियान का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। ये रहा आज के करंट अफेयर्स का कंप्लीट वीडियो। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और साथ ही अपने सभी स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करिए, और अपने दोस्तों से बोलिए अंकित स्टडी IQ चैनल पर डेली सुबह 5 बजे करंट अफेयर्स के वीडियो अपलोड होते हैं, और यह चैनल सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और पास ही में लगे बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।